हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, आप सबकी हर इच्छा पूर्ण हो और वो हर इच्छा आपकी पूर्ण होती जाए। मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप सबका सोल पर्पस पूरा हो, आप सब की रीयूनियन हो। सो माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप लोग की हर इच्छा पूर्ण हो, जो आज मांगोगे वही यूनिवर्स डिवाइन, मेरे एंजल्स आपको जरूर देंगे। अगर आप पॉजिटिव रहते हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आपको अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशन से वो चीज़ आपको मिले, तो आज की दुआ जरूर कबूल होगी। सो माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर, गॉड ब्लेस यू। पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचे। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है रख लीजिए, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोज हमारे जो सोल फैमिली है, सब्सक्राइबर हैं, वो बढ़ती है। सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, तो सभी तरह की एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। डिवाइन जैसे मैसेज देते हैं, मैं वैसे ही आप लोग को ये वीडियो बनाकर आपके पास लाती हूँ। तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। कहीं गाइडेंस मिलती है तो प्लीज उसको फॉलो करें। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लिख लें और हमेशा जपा जाप करें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जपा जाप जितना करेंगे, तो आपके अंदर उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आपके सारे विश पूरे होंगे और वो हर चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, ना उदासी, बस समझिए ये सेपरेशन, ये टेंशन आपको मिला है, ये आपसे पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सोल, पवित्र सोल हो। और ये जो सोल होता है बहुत ही पवित्र होता है, ये आपको जगाया जाता है जो आप खुद को नहीं समझते हो। दर्द पेन से आपको निकलने के लिए, आपको सेल्फ लव करने के लिए आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सोल पर्पस है, इसमें सोल पर्पस भी ढूंढना है और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ना है, और आपकी रियूनियन हो जाती है। टाइम लगता है डियर, लेकिन डिवाइनिंग टाइम पर रियूनियन होता है। तो जो आपकी पार्टनर की करेंट एनर्जी है डियर, तो वही मैं पिक कर पाती हूँ और वो एनर्जी आप तक भेज पाती हूँ। तो प्लीज आप लोग पॉजिटिव होकर ये वीडियो सुने। आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप भी दुआ कर रहे हो, आपके पार्टनर भी दुआ कर रहे हैं। आज की अभी की एनर्जी ऐसी है कि शाम होते ही आपको वो मिस कर रहे हैं, प्यार की शुरुआत चाहते हैं, सो नहीं पा रहे हैं डियर। एक बेचैनी सी है, कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका इनर वर्क हो या फिर अभी अभी सेपरेशन हुआ हो कुछ मंथ पहले, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में जो जुदाई हुई है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि कुछ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ है, वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये अचानक से आप लोगों में दूरियां आई, सेपरेशन आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है डियर, वो आपको मैनिफेस्ट करें। आप भी बहुत बेचैन हो अपने पार्टनर के लिए, आप भी चाहते हो, एक बार आप दुआ कर रहे हो कि एक बार मेरे पार्टनर से बात हो, कॉल मैसेज आए या फिर उनसे मुलाकात हो। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत चाहते हैं आपके पार्टनर, अपने रिश्ते को लेकर वो काफी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से स्टक है, अकेलापन उनको बहुत महसूस हो रहा है। जहां भी जैसे भी है, कोई उन्हें उस तरह का पैंपर नहीं कर पा रहा जैसे आप करते थे। आप वहां नहीं हो उनके पास, लेकिन आपकी वो पीक देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बीते हुए लम्हों को याद कर रहे हैं। किस वक्त आपने उनसे प्यार किया, कब गुस्सा किया, कब आपने उनसे गुस्सा किया और उन्हें मनाया, वो कब गुस्सा होते थे और आप उन्हें मनाते थे, वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। वैसी एनर्जी फिर वो वापस से चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा पैंपर प्यार करने वाला मदर नेचर का उन्हें कोई नहीं मिला। माँ के बाद आपसे वो प्यार पाए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फाइट चल रहा है डियर, जो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही आपको पेन दर्द देना चाह रहे हैं। भले ही आप दर्द में हो, आपसे दूरियां हैं, नो कांटेक्ट हो रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ हमारे व्यूअर से कॉन्टेक्ट हुई है, लेकिन अभी आज में नहीं हुई है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, मतलब कि आपने तो उनकी लाइफ को बदल दिया ऐसा सोच रहे, लेकिन क्या हुआ जो हम दोनों में इतनी दूरियां आई, ठीक है। कुछ समय तक काफी सोचे आपसे दूर जाने के बाद, लेकिन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि अपने आप को तो
वो चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको चाहते हैं। ये सोल जर्नी मुझे ज्यादा दिख रहा है, जो सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये उनके लिए मुझे दिख रहा है डियर, जो एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। बहुत खास फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं, बहुत इमोशनल, अपने इमोशन को बहुत दबाते हैं डियर, बहुत ज्यादा छुपाते हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल एक अकेले रहना, आपके बारे में सोचना, जैसे चैन ही ना मिल रहा उन्हें, बेचैनी सी है, लेकिन वो चाहकर वो आपके तरफ अभी आ नहीं सकते हैं, और कॉल मैसेज करने के लिए कोई चीज उनको, निगेटिविटी उनको रोकती है, क्योंकि आपके पास अगर आते हैं डियर तो ये मत समझिए कि आप गुस्सा और आपके पार्टनर गुस्सा, इस बीच निगेटिविटी आती है जो आप दोनों के बीच रहती है, आप दोनों को मिलने नहीं देती है। आप इस बीच आप अपने आप को सेल्फ लव करते हो, इनर वर्क करते हो, बैलेंस करते हो, पेशेंस रखते हो, तो ये चीज आपका जो एक इम्तिहान है, इस प्रोसेस से आप पार करते हो तो फिर से आपके पार्टनर आना जाना शुरू करते हैं। चेस और रन ये सिलसिला शुरू होता है। ये आपके एनर्जी की वजह से होता है डियर, ये आपके इनर वर्क की वजह से होता है। इनर वर्क आप नहीं करोगे तो ये कभी भी आपकी रियूनियन नहीं हो पाती है, फिर सेपरेशन, टेंशन, डिप्रेशन, इस जन्म का इसी तरह अंत हो जाता है। इसीलिए इस जन्म में आप काउंटर पार्ट आपके इस धरती पे आते हैं, इस 3D दुनिया में, तो आप लोग अपना इनर वर्क करते हो, टाइम लगता है डियर रियूनियन में, परमानेंट रियूनियन में टाइम लगता है। इस बीच बहुत प्रोसेस होते हैं, बहुत ब्लॉकेज होते हैं, बहुत कर्मा होते हैं जो उन्हें क्लियर करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, कभी आपसे मिले हो, कभी ऐसा आपसे अट्रैक्शन हुआ, उस समय को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, सामने हो ऐसा वो फील कर रहे हैं, सामने हो और वो आपको हग कर ले, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। और प्यार तो इतना है कि आपको गले लगाकर वो सॉरी भी बोल दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे आपके पार्टनर अभी की एनर्जी है, आपको दुआ में मांग रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दुआ में बहुत मांग रहे हैं, लेकिन आपसे नो कांटेक्ट है, लेकिन आपने जो दिया, आपने जो पैम्पर किया वो किसी ने नहीं दिया। आज कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में वो अटके हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, ये ऐसा वो सोच रहे डियर। आप जहां हो जैसे हैं, आपके लिए अच्छे हेल्थ के लिए वो दुआ कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग हेल्थ प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा हो कि आप अच्छे ना हो, खुश ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको दूर से कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आपके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं डियर। बहुत इमोशन को दबाते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके लिए कब भर भर कर इमोशन आ रहा है, जैसे लग रहा है सच में आप मिलो, आपको हग करें और आपके माथे पे किस करें और बोले सॉरी, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। ये मेल और फीमेल दोनों की भी हो सकती है डियर, जिसको जैसे लेना आप ले लो, पर वो एक हवा का झोंका जैसे आता ना, वैसे यादें छूकर चला जाता है और वो रह नहीं पाते, एक बेचैनी सी होती है, रात में उठकर बैठ जाना, सोना नहीं, एकदम उस वक्त आपकी जरूरत बहुत होती है, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है डियर। अभी बहुत ही करीब से आपको फील कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं इस वक्त आप उनके पास हो, ऐसी एनर्जी है डियर। ये एक एनर्जी है, ठीक है, ये हाई वाइब्रेशन आपकी एनर्जी जाती है, तो ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर पिक करते हैं और एक बेचैनी सी होती है, तो आपका इनर वर्क है तो ये काम कर रहा है डियर, ठीक है। वो डर भी रहे हैं, कैसे मैं क्या करूं, मैं कैसे सुख और शांति पाऊं, मैं कैसे तुमसे मिलूं, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। उन्हें अभी भी इसी वक्त लग रहा है बस आपको वो हग कर ले, ऐसी बेचैनी है। वो कहीं भी है, जहां भी है, वो जिस जगह पे है, तो थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, घर में हो, बाहर हो, फैमिली के साथ हो, तो कहीं ना कहीं वो अभी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, और आप भी बिल्कुल एक सिंगल लाइफ जी रहे डियर, आप भी और आपके पार्टनर भी, या मैरिड हो या अनमैरिड हो ये नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन जो भी हो आप लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले एक सिंगल की तरह आप लोग रह रहे हो। आपको पहले वाला उनको प्यार चाहिए जो आपने दिया था, जैसे आप उनको केयर करते थे, बात पीछे उनसे झगड़ा लड़ाई करना, मनाना, कहीं भी निकल जाना, कहीं भी पहुंच जाना, गुस्सा करके बुला लेना, ऐसी एनर्जी वो फिर से चाह रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहा है, ये आपकी एनर्जी है डियर जो आपके पार्टनर की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो गॉड से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन कहना कि ब्लॉकेज जो होती है, आप लोग इस जर्नी में समझो, ब्लॉकेज कर्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच में आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, बस इसको आपको इनर वर्क से क्लियर कट कैंसिल करना है और आगे बढ़ना है। सेवन चक्रा हीलिंग्स कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, जपा जाप कीजिए, गायत्री मंत्र उच्चारण कीजिए, रेड तारा मंत्र उच्चारण कीजिए, ग्रीन तारा मंत्र उच्चारण कीजिए, कृष्ण भगवान का जपा जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, आप जो रिलीजन के हैं वो आप कीजिए, ठीक है। लेकिन आप जपा जाप कीजिए, जितना अंदर से आप अच्छा वाइब्रेशन देंगे उतनी जल्दी यूनिवर्स में वो चीज जाएगी और आपको वही रिटर्न मिलेगी। खुशी हो, अवेंडेंस हो, आपके पार्टनर हो, वो चीज आपकी मैनिफेस्ट होगी। लेकिन विश्वास जितना करेंगे उतने जल्दी सक्सेस आपके लाइफ में, ठीक है। ये टफ जर्नी है, ये जो सोल कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट कनेक्शन है, ये बहुत ही टफ पेनफुल जर्नी होती है। बहुत ब्लॉकेज, बहुत कर्मा, पिछले जन्म से इस जन्म तक के बहुत ऐसे कर्मा होते हैं। कुछ हमारे एंसिस्टर के भी कर्मास होते हैं जो उनकी पूरी नहीं होती है, वो हमें ही पूरी करनी होती है। इसलिए हमें अपने एंसिस्टर को अमावस्या पूर्णिमा के दिन हमेशा प्रणाम पूजा करना चाहिए, ऐसे तो हर रोज करना चाहिए, खास तौर पे अमावस्या पूर्णिमा के दिन उन्हें दीपक पूजा जरूर देना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी ब्लेसिंग आप लोग पे रहती है। तो एंसिस्टर को भी ग्रेटिट्यूड जरूर दें। अभी वो जहां है जैसे डियर बिल्कुल खुश नहीं है, इसीलिए प्लीज आप अपना इनर वर्क ऐसे कीजिए। अगर इस बीच आपके पार्टनर की कॉल आती है तो आप बात कीजिए, ढंग से कीजिए, झगड़े और लड़ाई ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए। वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग काउंटर पार्ट हो रही है, ठीक है। वो आपके हक के बारे में सोच रहे हैं कि आप मेरे प्यार और मेरे ऊपर आपका हक, ये उनकी एनर्जी बोल रही है। लेकिन यहाँ कहीं फंसे हुए हैं या फिर दो दो रास्ते में जगल कर रहे हैं डियर, तो कहीं ना कहीं वहां बीच में ये फंसे हुए हैं, मैनेज करना चाहते हैं, कभी कभी दोनों को मिलाकर चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे, मुझे उसका साथ चाहिए, मुझे जीना है तेरे लिए, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, या मेल हो या फीमेल हो, आप किसी हाल में चाहिए, मुझे जीना है तेरे संग, मरना है तेरे संग, ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। कुछ एनर्जी आपकी भी है डियर, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आपस में मिलकर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो और खुलकर बात करना चाहते हो कि आगे हमारी लाइफ कैसी होगी। अट्रैक्शन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है, वो कुछ पल कुछ दिन आपके साथ अकेले बिताना चाहते, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है डियर। आने वाले समय में ऐसा होगा भी, हो सकता है वन मंथ के अंदर ये चीज होने वाला है डियर, ठीक है। आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है, सो नहीं पा रहे, रुकावटें हैं, लेकिन उसको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर वो कुछ एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये आप कि अपनी जो वाइब्रेशन है वो अपने पार्टनर के लिए आप छोड़ रहे हो, ये वो पिक कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वर्क आपका ये एनर्जी जो उनके पास जा रहा है, उन्हें अपनी एनर्जी से खींच रहे हो, ठीक है। वो उनकी जो एनर्जी है जैसी हो रही, आप अपने इनर वर्क से आप अपनी और उन्हें खींच रहे हो। रात में उठकर बेचैनी सी होती है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, रात की एनर्जी जो है बहुत बेचैन हो जाती है। अभी कुछ ऐसी एनर्जी, अभी रात में भी वो आज सो नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। वो आपसे एकदम खुलकर मिलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी डियर, मैं बार बार बोल रही हूँ। डर है, आपसे काफी डिस्टेंस पे है, दूरियां है, किसी के लॉन्ग डिस्टेंस काफी है, ट्रेवल करके आपके पास आएंगे, कुछ के लिए तो बहुत लंबा जर्नी है इस बीच, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ सोच के डर भी रहे हैं, आपको खो ना दें, उन्हें डर लगता है कि आपको उनसे कोई चुरा ना ले। मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, काफी अट्रैक्शन हो रहा है, फील कर रहे हैं, हो सकता है किसी वक्त किसी समय आपके पास कॉल मैसेज कर दे, रात में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं करियर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम बाधाएं हैं, या फिर फाइनेंस को लेकर है, या कुछ क्यों हेल्थ प्रॉब्लम हुई, कुछ को हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, सबको नहीं डियर, सबके लिए नहीं है, और जॉब पे कुछ प्रॉब्लम आया है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस भी अच्छी नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पार्टनर टेंशन में है, और ये वजह कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपको धोखा देने से, दर्द देने से
पेन देने से, आपको छोड़ने से मुझे ये मिला है, क्योंकि आपने उनके लाइफ में चेंज लाया, उनको मदद की, उनकी हर तरह से सुख दुख में साथ दिया, हर वक्त हर समय आप खड़े रहे। ऐसी एनर्जी आ रही है और वो काफी सोच रहे हैं, घर का माहौल कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब उनको कर रहा है, बात बात पर मन मुटाव, झगड़े, लड़ाई, टेंशन, लेकिन इस वक्त सिर्फ आपकी एनर्जी वो पिक कर पा रहे हैं। इस वक्त टूटा हुआ फील कर रहे हैं, इस वक्त आप चाहिए, और आप एक पावर देती हो उन्हें, एक अच्छी एनर्जी देती हो, आप हील करते हो, ये वो सोच रहे हैं। आप उन, आपको पता है कि वो मुझे याद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद करे, तो ये बात सही है डियर। उन्हें आपका साथ चाहिए जीने के लिए, आपका साथ चाहिए लाइफ बिताने के लिए, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी सी है कि उनको अपने आप को बैलेंस करना होगा, थोड़ा सा अपने विचार को चेंज करना होगा, तो ये आपसे बात भी हो जाएगी। अगर अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपसे कांटेक्ट भी होगी। कभी कभी ईगो जागता है, कभी लगता है कि मैं गलती नहीं किया, तुम गलती की हो, तो कुछ की एनर्जी ऐसे भी आ रही है डियर। बात भी करेंगे तो थोड़ा सा खींचा खींचा कि आप उन्हें प्यार करो, आप उन्हें उन्हें बहुत अच्छी हीलिंग दो, आप उन्हें मनाओ। अगर कॉल मैसेज भी करते हैं तो ऐसी एनर्जी होगी। वो अपने दर्द पेन को नहीं बताएंगे, सिर्फ ऐसे बताएंगे कि मैं तुम्हें याद किया, बस कॉल कर लिया। अब उन्हें आप प्यार से बात कीजिए ताकि उनको हीलिंग मिले। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है और ये पार्टनर के हाथ में जो भी है, कहीं ना कहीं किसी का उनके हाथ पर फैमिली, पेरेंट्स भी हो सकते हैं डियर, जिसको जैसे लेना है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर, ब्रदर हैं, हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों, तो कुछ जो मैरिड है, तो ये मैं बता दूं, सब लोग मैरिड होते हैं, तो कुछ ना कुछ मैरिड जो होते हैं ना, सब लोग कर्म के साथ नहीं होते हैं, कुछ की पत्नी जो होती है, वाइफ जो होती है, वो सोलमेट होती हैं, तो वहां से निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, यूनिवर्स ने क्या सोचा है, डिवाइन ने क्या सोचा है, तो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में आपके डिवाइन जाने में आपकी मदद करेंगे। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, वो जहां है जैसे हैं खुश रहें, और अपना इनर वर्क करना है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें हील करते हो, तो मैं देख रही हूँ कि आप भी पॉजिटिव रहे। कुछ लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं और कुछ लोग पेन में हैं जो इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज मैं बोलूंगी निगेटिव मत सोचिए, हर वक्त पॉजिटिव रहिए, वो चीज मैनिफेस्ट होगी। तो आपको भी अभी थोड़ा और हील होना है और आपके पार्टनर को भी हीलिंग चाहिए, इसलिए खुद को हील कीजिए ताकि आपके पार्टनर हील हो, कोई एक्शन ले सके। जहां है वो जैसे हैं, सिर्फ वो आपके लिए हैं, कहीं भी हैं, मुझे ज्यादा इसमें मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में उलझे हुए, जहां है जैसे वो कार्मिक के साथ हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, याद करें, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं डियर, तो आप पॉजिटिव रहिए, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपका जो हक है मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो आपका इम्तिहान चल रहा है उसको आप पूरा कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जपा जाप, जो रिलीजन में है आप, उसको आप, उस ईश्वर को, देवी देवता को, अल्लाह को, खुदा को, जिन्हें आप मानते हो, आप जपा जाप करो, ठीक है, और पॉजिटिव सोचिएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी डियर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।